guys, we are almost ready. This is me, Payal Agarwal. और ये actually पूरा फैला हुआ है. हम लोग थोड़े late से उठे हैं. So this is our first day to Goa. और उठने में काफ़ी late हो गया था और checkout time 10 o'clock है. और अभी तक हमने breakfast भी नहीं किया, उसका भी time 10 o'clock तक ही है. और अभी टाइम कुछ 9:30 हो चुके हैं ऑलरेडी. वी हैव ओनली हाफ एन आवर और हमारा ये हाल है. सो अभी सब अरेंजमेंट्स करना बाकी है. अभी अरेंजमेंट्स हम लोग कर रहे हैं. टीवी चालू है गाने वाने. सो बाकी अभी रेडी होना भी बाकी है. पता नहीं सब कैसे होगा हाफ एन आवर में. लेट्स सी. अभी आप लोग, अभी हम लोग शायद कैलंगुट बीच जाएंगे. पहले नजरी रिसोर्ट जाएंगे जो हम लोगों ने दूसरी जगह बुक की है. उसके बाद कैलंगुट बीच जाएंगे. तो फिर वहाँ जाके बाकी का अपडेट देते हैं हम लोग. रिसोर्ट जाके आपको वहाँ का भी रूम टूर कराएंगे. देन आगे प्रोसीड करेंगे. सो बाय बाय. तो अभी हम लोग होटल कॉस्मिक से चेकआउट कर रहे हैं और अब मैं भी पूरी रेडी हूँ और बंदा भी पूरा मास्क वास्क पहन के रेडी है. मेरा मास्क रखा कहाँ है वो नहीं पता. अच्छा मेरे पॉकेट कहाँ है, मेरे पॉकेट में पता नहीं इसे मेरा मास्क कहाँ रखा है. मेरे पॉकेट में कुछ है नहीं. हे मेरे पॉकेट में ही था अभी जो मैं नहीं पहन रही. हाँ सो ये पकड़ो. सो अभी हम लोग यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं. यहाँ का एक्सपीरियंस हम लोग का अभी तक का बहुत अच्छा रहा है. यहाँ का जो कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट था उसमें भी बहुत आइटम्स थे, जैसे कि इडली सांभर मेदू वड़ा पोहा ब्रेड टोस्ट सभी था. मतलब बहुत आइटम्स थे जो नाश्ते में जो ब्रेकफास्ट में करना हो और बहुत सही था. तो यहाँ का एक्सपीरियंस हम लोग दोनों का ही बहुत अच्छा रहा. रेट के हिसाब से द थिंग वॉज टू गुड. ब्रेकफास्ट लंच डिनर और स्टे हर चीज़ अच्छा था. क्लीन भी पूरा था. तो अगर मेरे से रेटिंग पूछा जाए तो मैं इस होटल को 5 में से 5 स्टार रेटिंग दूंगी. इतना अच्छा लगा. तो चलिए दोस्तों हम लोग ने अभी चेकआउट कर लिया है. तो अभी हम लोग जा रहे हैं स्कूटी के पास. तो चलिए आपको दिखाते हैं हमारा स्कूटी कौन सा है. ये देखिए ये है हमारा स्कूटी जिसका नंबर है 4335. बहुत ही बढ़िया 350 रुपये में इन लोग ने दिया है मेरे को. 500 रुपये सिर्फ डिपॉजिट दिया है मैंने. अब हम लोग 6 दिन यहीं पे है. तो आप लोग को अगर मिलना है तो मिल सकते हैं. बाय बाय. रिसोर्ट एंट्री कुछ ऐसा दिखता है नजरी रिसोर्ट का. हम लोग का सामान अभी यहाँ रखा हुआ है. बंदा गया है पार्किंग पे. तो अभी हम लोग अंदर जाके आपको रूम टूर भी कराएंगे. ये आउटसाइड व्यू है नजरी का. इसका सीलिंग भी बहुत ज्यादा सुंदर है. और यहाँ हम लोग दिख रहे हैं मिरर में. आप लोगों को दिख रहे कि पता नहीं बट बहुत अच्छा लग रहा है ये. तो अभी हमें रूम्स का पूरा चाबी वगैरह तो मिल गया है. एक भूल गया बोलो. तो अभी हम चेकिन करने वाले हैं रूम्स के अंदर. देखते हैं अभी रूम्स कैसा है. ये वाला हम लोग का बहुत ही अच्छा रूम दिखा था हम लोग का. देखते हैं कैसा है. ये हमारे बैग्स वगैरह सब हो रहे हैं. ये है हमारी मैडम.
ये उन लोग के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कुछ रूम्स के और मील्स वगैरह का सब लिखा हुआ है, स्विमिंग पूल वगैरह का टाइमिंग वगैरह सब लिखा हुआ है, रूम क्लीनिंग का बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखिए आप, होटल ऐसा कुछ दिख रहा है, होटल कम रिसोर्ट जो भी है ये ऐसा कुछ है। अभी देखते हैं हम लोग का रूम इस होटल का कैसा होगा। लास्ट टाइम वाला रूम बहुत ही बढ़िया था, हम लोग सजेस्ट करेंगे होटल कॉस्मिक इन में स्टे करने का। अभी देखते हैं कैसा रूम है ये वाला। ये हम लोग जा रहे हैं। ये मैडम जी, तो हम लोग ये है नर्सरी रिसोर्ट का रूम टू। ऐसे तो अच्छा है, जैसे साथ हम लोग देखे थे काफी बड़ा रूम है। और ये हम लोगों ने तो ऐसे नॉर्मल पूल व्यू लिया था, बट ये देखिए मेरे को ये देख के लगा था कि पूल है, बट ये पूल नहीं है, ये फिश पॉन्ड है। ये यहाँ का कुछ नजारा है जो बहुत ही सुंदर है। ये देखिए पूरा चारों तरफ ग्रीनरी, सामने का ये देखिए पहाड़, लेक सब है। एंड वो पूल रहा, पूल व्यू हम लोगों ने, पूल व्यू के चार्जेस एक्स्ट्रा होते हैं, बट हम लोगों को बोला था कि पूल अभी चालू नहीं है, पूल के हम लोगों ने पूल व्यू नहीं लिया था, नॉन पूल व्यू लिया था। बट फिर भी क्योंकि हम लोग को इस साइड का मतलब पूल व्यू लेते तो शायद उधर का कोई एरिया, हम लोग को उधर का कोई रूम मिलता, बट यहाँ से भी पूरा पूल बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है, तो हमारे लिए तो ये भी पूल व्यू ही हो गया। नहीं तो हम लोग को उधर का रूम कोई मिलता, रूम सेम है, खाली हल्के एक्स्ट्रा चार्जेस रखते खाली पूल व्यू के, बट तब हम लोग को बोला गया था पूल चालू नहीं है, तो अच्छा हुआ ऐसा हुआ, क्योंकि हम लोग को एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं पे करने पड़े। एंड आपके सामने हम लोग को पूरा पूल दिख रहा है, और अभी स्विमिंग पूल चालू हो चुका है, सुबह 9 बजे से शाम तक का कोई टाइमिंग है। स्विमिंग कॉस्ट्यूम कंपलसरी है इसमें, आप चाहें तो यहाँ से भी खरीद सकते हैं, बाहर से भी खरीद सकते हैं, बट कंपलसरी है। और यहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर है नर्सरी रिसोर्ट का, और कैफ़े मेम्बोस भी पास में है, अभी तक का तो सर्विस भी अच्छा दिया है यहाँ पे। ये देखिए ये है बालकनी का व्यू, और अभी तक का यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, हमारे सामान भी सारे पहुँचा दिए गए, एंड क्लीन भी, क्लीनलीनेस के मामले में भी ये रूम भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे टीवी भी है, टीवी थोड़ा ओल्ड मॉडल है, उससे हमें अलमारी भी काफी बड़ी अलमारी है। ये लैम्प है, सोफा है, टेबल सोफा लैम्प, चद्दर का कलर बहुत ही अच्छा है, रेड एंड वाइट, रोमांटिक रोमांटिक कलर है। ये देखिए, ये हमारे बंदे को देखिए, वॉशरूम में आते ही यहाँ पे हेयर ड्रायर वहीं की तरफ से प्रोवाइडेड है होटल के साइड से, एंड बंदा बाल पूरे सूखे हुए हैं, खाली मजे लेने के लिए अपने बाल।
तो हमें यहाँ हेयर ड्रायर प्रोवाइडेड है, वॉशरूम भी क्लीन है। और हाँ, हम लोगों ने बाथटब वाला लिया था, वॉशरूम स्पेशली बाथटब वाला लिया था, और उसी की वजह से हम लोगों ने ये रिजॉर्ट भी जहाँ तक है बाथटब के लिए ही बुक किया था, क्योंकि इसमें बाथटब भी था और काफी रीजनेबल रेट में हम लोग को ये रिजॉर्ट पड़ा, जितने में हम लोग को बाकी बिना बाथटब वाले मिल रहे थे। अभी बंदा हमारी सेवा में हाजिर, कॉफी बना रहे। हम लोग का ये फर्स्ट डे कॉस्मिक में हम लोग का फर्स्ट नाइट था यहाँ पे गोवा में। आज हम लोग का पहला दिन है गोवा में। हम लोग नॉर्थ गोवा आ चुके हैं, करीब करीब 50 किलोमीटर दूर मडगांव से, बट रास्ता इतना अच्छा था कि पता ही नहीं चलेगा आपको। हाँ, हमारे पास सामान थोड़े ज्यादा थे बोल के हमें पता चला, वरना शायद वो भी पता नहीं चलता, इतना अच्छा रास्ता था। कि देखिए, हम लोग को यहाँ पे वाटर बॉटल्स प्रोवाइडेड है, इलेक्ट्रिक केटल है, टू ग्लास है, कांच का ग्लास, टू कप्स और कॉफी, टी, मिल्क पाउडर, शुगर। ये हमारा फोटो खींचने के लिए सरिया बोला जाए तो। अरे, ये प्यारा सा बंदा मेरे लिए प्यारी सी कॉफी बनाते हुए, हाय हाय, स्माइल देखो चेहरे पे, स्माइल।